हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 7 जीके कर रहे थे। इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका चैप्टर नंबर 22 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 23, जो कि है पेज नंबर 33 पर। क्लियर। तो चैप्टर नंबर 23 का सबसे पहले नेम जो है वो है हमारा एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स। ओके, तो एब्रीविएशंस क्या होते हैं? जो हम शॉर्ट फॉर्म किसी भी एक वर्ड को दे देते हैं, या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक शॉर्ट फॉर्म जो दे देते हैं, उसको हम एब्रीविएशंस कहते हैं या फिर एक्रोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे लिए क्या दिए हुए हैं? एब्रीविएशंस दिए हैं, इसको हमें क्या करना है? फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला VS लिखा, तो इसका मतलब होता है वर्सेस, VERSUS। सेकेंड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, C/O, C/O को हम बोलते हैं केयर ऑफ, CARE, केयर ऑफ। क्लियर। थर्ड वाले को देख लेते हैं, EG को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जो वर्ड लिखा रहता है इसको बोलते हैं हम एग्जाम्पल ग्रेशिया, एग्जाम्पल ग्रेशिया, EXAMPLIGRATIA, मीन्स एग्जाम्पल जब हम देते हैं ना उससे रिलेटेड ये है, तो किसी भी सेंटेंस में एग्जाम्पल देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ETC को हम क्या बोलते हैं? इसको तो हम, मुझे लगता है सारे बच्चों को पता होगा, इसको एक्सेट्रा बोलते हैं, लेकिन लिखते हम कैसे वो देखो, ETCETERA, एक्सेट्रा। फिफ्थ पे आ जाते MR तो पता ही होगा आपके लिए, MR होता है मिस्टर, MISTER, मिस्टर। इसके बाद आते हैं MRS, इसको बोलते हैं मिसेज, क्या बोलते हैं? मिसेज, MISSUS, MISSUS, एस लिखना है, आर लिख दिया, एस। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं सेवेंथ पे, सेवेंथ में लिखा हुआ है TEMP, TEMP मीन्स होता है टेम्परेचर, क्या होता है? टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर लिख देता हूँ, TEMPERATURE, टेम्परेचर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एट्थ पे, EST, एट्थ का जो आंसर होगा हमारा EST, इसका आंसर है established, ESTABLISHED, established। अब आ जाते हैं नाइन्थ पे, NO तो सभी जानते होंगे, नंबर, NUMBER, नंबर। VET क्या होता है? ये हमारा टेंथ नंबर का, तो VET वेटेरियन, इसे VETE, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ, VETERINARIAN, आई थिंक ये वो होते हैं जो उसके डॉक्टर्स होते हैं ना, किसके, एनिमल्स वगैरह के, सो उनको वेटेरियन, इसको आप सर्च करना, मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो भी है आंसर इसका, मीन्स आंसर तो यही है लेकिन इसका मतलब क्या होता है। TBS है ना, TBS 11th वाले का आंसर हो जाएगा टेबल स्पून, TABLESPOON, टेबल स्पून। इसके बाद 12th जो है, 12th का जो आंसर हो जाएगा DEF, मीन्स होता है डेफिनेशन, DEFINATE, एक सेकेंड स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, DEFINITION, डेफिनेशन। ओके, तो ये होती है इसकी स्पेलिंग। तो इस तरह से हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, एब्रीविएशन। अब हमें आ जाना है सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स, NDA, NDA का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, NATIONA, नेशनल, DEFENCE ACADEMY, नेशनल डिफेंस एकेडमी। रडार, सेकंड जो है वो है रडार, रडार होता है देखो क्या, इसका रेडियो डिटेक्शन, RADIO DETECTION, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ANDRANGING। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड में लिखा है NCC, है ना, थर्ड में क्या लिखा हुआ है? NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NATIONA, CADET, कैडेट, CORPS। क्लियर। फोर्थ पे आ जाते हैं, फोर्थ में लिखा हुआ है नाटो, क्या लिखा है? नाटो। अब नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है वो देखना है हमारे लिए, तो ये होता है नॉर्थ अटलांटिक, एक सेकेंड, NORTH, नॉर्थ, ATLANTIC, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, TREATY, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION,
ऑर्गेनाइजेशन। आ जाते हैं हम फिफ्थ पे नासा। नासा का फुल फॉर्म चाहिए तो इसका है, तो ये बच्चों मैंने पूरे आंसर्स लिख दिए ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो नासा तक हम पहुंच गए थे, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। सेवेंथ है बीबीसी, बीबीसी का मतलब होता है फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। एट्थ है सीबीआई, सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाइन्थ है आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और टेंथ है इसरो, इसरो एक हमारा वो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे हो गए क्या इसका भी आंसर है ना, एक्रोनॉम्स भी हो गए हमारे। तो इस तरह से हमारा हुआ चैप्टर नंबर 23 भी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 24 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कुछ भी हेल्प मिली हो आपको, और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।